प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडव पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। पांडव पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विफल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा कि कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिनसे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुरा कर बोले। प्रभु, फिर मुझे दुखियारी नारी को कष्ट दूर करने का उपाय बताए, द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव से भी किया था, तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और इसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, सुख दुख तो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुड़ी विद्यमान एक ब्राह्मण था, उसके चार पुत्र थे और एक सुशील कन्या। कन्या विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पहले उसे शुधा ने घेर ली। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर उसे दिखा दिया। कन्या ने अर्घ दिया और भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी विचरण करने भू विचरण करने आए ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चौथ दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधने विनय की, इससे मुक्त होने का क्या उपाय है। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। सच्चाई जानने के बाद कन्या ने अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया और अगले साल उसने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इससे उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सारे संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। एक समय की बात है, सात भाइयों की एक बहन का विवाह एक राजा से हुआ। विवाह उपरांत जब पहला करवा चौथ आया तो रानी अपने मायके आ गई। रीति रिवाज अनुसार उसने करवा चौथ का व्रत तो रखा, किंतु अधिक समय तक वह भूख प्यास सहन नहीं कर पा रही थी और चांद देखने की प्रतीक्षा में बैठी रही। उसका यह हाल देख उन सात भाइयों से ना देखा गया, अतः उन्होंने बहन की पीड़ा कम करने हेतु एक पीपल के पेड़ के पीछे एक दर्पण से नकली चांद की छाया दिखा दी। बहन को लगा कि असली चांद दिखाई दे गया और उसने अपने व्रत को समाप्त कर लिया। इधर रानी ने व्रत समाप्त किया, उधर उसके पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। यह समाचार सुनते ही अपने ससुराल के लिए वह तुरंत रवाना हो गई। रास्ते में रानी की भेंट शिव पार्वती से हुई। माँ पार्वती ने उसे बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसका कारण वह खुद है। रानी को पहले तो कुछ समझ ना आया, किंतु जब उसने पूरी बात का पता चला तो उसने माँ पार्वती से अपने भाइयों की भूल की क्षमा याचना की। यह देख माँ पार्वती ने रानी से कहा, उसका पति पुनर्जीवित हो सकता है यदि वह संपूर्ण विधि विधान से पुनः करवा चौथ का व्रत करे। तत्पश्चात देवी माँ ने रानी को व्रत की पूरी विधि बताई। माँ की बताई विधि का पालन कर रानी ने करवा चौथ का व्रत संपन्न किया और अपने पति को पुनः प्राप्ति की। एक साहूकार के सात बेटे और एक बेटी थी, जो कि सातों भाइयों की लाडली बहन थी। आठों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब सातों भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया तो माँ ने बोला, आज इसका करवा चौथ का व्रत है और जब चांद निकलेगा तब वह अर्घ देकर खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दे लो, चांद निकल आया।
भाविया बोली कि ये तेरा चांद है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। बहन चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की को पहनाने के कपड़े निकालने को तीन बार बक्सा खोला, तीनों बार सफेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। लड़की की साड़ी के पल्लू में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा कि रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष देवे उसे ही यह सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग की आशीष नहीं दी और सबने यही आशीष दी, ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सात भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देखने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद खड़ी मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सिली हो, सपूती हो, सात बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख देने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा कि ऊपर की कोठरी है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर पहुंची तो उसने अंदर जाकर देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसी की सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के साथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते एक साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो रे करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवाड़ी करवा लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो रे करवे, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवादी करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई, ए करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी तो वो तेरे को करवे देगी। इस प्रकार पांच बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी सातवीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में काठी बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में काटा चुभ जाएगा तो वह खूब चिल्लाती हुई आएगी। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर मत छोड़ना और उसके पैर के सारे कांटे निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी, तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू उद्यापन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटा बिछा दिया। जब सातवीं बहन करवे लेकर आई तो पांव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाती हुई आई तो उसका उसने पैर पकड़ा और कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तब बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो तू करवे भी देकर जाएगी। उसने बोला, तूने तो मुझे ठग लिया है। यह कहकर चौथ माता ने उसे आंख में से काजल, नखूनों पर से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली अंगूठी का छीटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत करा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोई नहीं, 12 महीने हो गए हैं आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन पर खूब सारा चूरमा बनाया और जी मकर वो दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांदी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई। दोनों को खेलते देख सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बेटे बहू चौपड़ सार खेल रहे हैं।
इतना सुनकर सासू देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवा चौथ को वो अपने पीहर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा की लड़की को जीवन दान दिया वैसा ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना।